जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल किवें हो बस वधिया ओ भगवान अगर बाजार से कुछ लेकर आना तो बता दे कोई सब्जी राशन दवाई लेकर आना तो लिख कर दे दे मैं ले आता हूँ पापा पापा मेरी चॉकलेट और मैगी लेके आना ओ पुत्र चॉकलेट नहीं चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं और अगर दांत में दर्द होने लग गया ना तो आजकल तो डॉक्टर मिलना भी मुश्किल है ओके पापा फिर चॉकलेट रहने देना ये लीजिए लिस्ट हाँ सारा सामान एक बार में ही ले आना आपका बार बार बाजार जाना ठीक नहीं कुछ भूल न जाना और हाँ मास्क जरूर लगा कर जाना ओ ठीक है कुछ नहीं भूलता भगवान ने ये ले सारा सामान ले आया हूँ तू रख ले मैं मुँह हाथ धो लूँ आपको कहा था कि आप मास्क पहन के जाना आप क्यों नहीं पहन के गए ओहो आप चीनी और सूजी तो लाई नहीं ओ भगवान ने उन चीनियों को वजह से हम घर में बंद है और सूजी मैं इसलिए लाया क्योंकि पुलिस ने मार मार के पहले मेरी सुजा दी इसलिए मेरे को सूजी नाम से नफरत होने लगी है चल ठीक है फिर मैं ले ही आता हूँ ओ भगवान ने अल मैं ले आया तेरी चीनी तो सूजी ओ भगवान पेट में ना गैस सी फील हो रही है मैं ऐसे करता हूँ मैं ना केमिस्ट जाकर दवाई ले आता हूँ ओहो पापा आप भी ओ यार गैस ना अब तक ठीक नहीं हुई मैं ना ऐसे करता हूँ पार्क जाकर सैर कराता हूँ आप टिक्का घर नहीं बैठ सकते बांदर की तरह टपूसी मार के कभी इस दुकान पर कभी उस दुकान पर कभी सब्जी लेने कभी कभी एटीएम से पैसे निकालने के लिए और अब सैर का नया बहाना ओ तुमने बंदर कह रही है नहीं जी मैंने आपको बंदर थोड़ी ना कहा है वो तो मैंने अपनी बात समझाने के लिए कहा है ओ तू बंदर का ही क्यों एग्जाम्पल दे रही है शेर का दे चीते का दे पर बंदर का ही क्यों रहे ना फिर भी जानवर के जानवर और अगर आपको कोरोना हो गया ना तो आपकी वजह से माँ बेटी को भी हो सकता ओ ये कोरोना किस खेत की मूली है आ देख मेरे डॉले ध्यान से देख मछली भी बनती है अगर वो आएगा ना तो दो थप्पड़ मार के भगा दूंगा The next day. ओ भगवान देख मुझे बुखार खांसी फील हो रही है देखा मैंने कहा था ना कि अपना ध्यान रखना ठीक है मैं इमरजेंसी नंबर पे फोन करती हूँ हेलो मैं मोनित कौर बोल रही हूँ मुझे लगता है कि मेरे पति में ना कोरोना के लक्षण है इसलिए आप जल्दी से आ जाइए आप ये एड्रेस लिख लीजिए The next day. Hello, this is Mrs. Mohanit. हाँ जी बोल रही हूँ आई एम डॉक्टर फातिमा फ्रॉम सेक्टर 32 सिविल हॉस्पिटल आपका पति का जो कोरोना वायरस का टेस्ट किया था वो पॉजिटिव आया इसलिए हम उन्हें 14 डेज को आइसोलेशन में रखेंगे और एक खुशी का बात भी है आपका और आपका बेटी का टेस्ट नेगेटिव आया टेंशन का कोई प्रॉब्लम नहीं okay. शुक्र है भगवान का 2 weeks later. माफ करते मैं बहुत शर्मिंदा मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने अपनी बीवी और अपनी फूफी जैसी बच्ची को इतनी बड़ी सजा देने वाला था अगर तुम दोनों को मेरी वजह से बीमारी हो जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता कोई ना जी आपको आपकी गलती का एहसास हुआ हमारे लिए यही बहुत है तो दोस्तों ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपको ये समझाने के लिए कि कोरोना कोई भी जात पात ऊंच नीच अमीरी गरीबी नहीं देखता वो देखता है तो सिर्फ बेपरवाह लोग और जहाँ पेपरवाल लोग मिले समझो उन्हें कोरोना हुआ और हाँ साथियों आपका एक दूसरे से मिलना जरूरी नहीं बल्कि आपका होना जरूरी है दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती है कि चाहे आप हमारा वीडियो ना लाइक करें ना शेयर करें और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज 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 घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो जय हिंद स्टे होम स्टे सेफ